हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती, MSCAG हॉर्टिकल्चर थर्ड सेमेस्टर में आपका एक पेपर है, ब्रीडिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। इस पेपर को हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल की ब्रीडिंग प्रोसीजर्स और ब्रीडिंग मेथड्स को डिस्कस करना है। तो इनके ब्रीडिंग प्रोसीजर और ब्रीडिंग मेथड्स को डिस्कस करने से पहले हमें ब्रीडिंग के बारे में जानना होगा कि ब्रीडिंग बेसिकली क्या होती है, क्योंकि आप में से तमाम लोग हैं जिनको ब्रीडिंग का कुछ कॉन्सेप्ट्स, हो सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। तो हम डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट पर ना करके हम लोग पहले थोड़े सा ब्रीडिंग प्रोसीजर्स को समझेंगे, उसके बाद वन बाई वन हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रीडिंग प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया गया और अब तक क्या क्या इम्प्रूवमेंट उसमें किया गया है। तो बेसिकली मेन ब्रीडिंग टॉपिक पर आने से पहले भी कुछ एलाइड टॉपिक्स हैं जिनको समझना, जिनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसको समझे हम ब्रीडिंग को नहीं समझ सकते हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में, उसी की शुरुआत में हम आज ये फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ ओरिजिन और बायोडायवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ब्रीडिंग में सेंटर ऑफ ओरिजिन और बायोडायवर्सिटी का क्या रोल है, क्यों हम फसलों की सेंटर ऑफ ओरिजिन या उनके उद्भव स्थल के बारे में पढ़ते हैं या क्यों जानना ज़रूरी है, और बायोडायवर्सिटी का क्या रोल है ब्रीडिंग में। तो इसके रोल को बेहतर तरीके से समझने के लिए और ब्रीडिंग में इसकी इम्पॉर्टेंस को समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है और बायोडायवर्सिटी क्या होती है। उसके बाद वन बाय वन हम लोग ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट पर आएंगे, ब्रीडिंग के मेथड्स पर आएंगे, फिर डिफरेंट जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हैं उनमें कौन सा ब्रीडिंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं इसको जो है आप लोग कंटिन्यूअसली ट्रैक करिएगा, कोई भी वीडियो छूटने नहीं पाए, क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपने कोई भी वीडियो छोड़ा तो फिर बीच का वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तो आगे का मेथड या ब्रीडिंग मेथड्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सेंटर ऑफ ओरिजिन के टॉपिक से कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन एक्चुअली ये वेविलोव ने 1926 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने सजेस्ट किया था कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स कॉन्साइड विद द एरिया ऑफ जेनेटिक ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी। किसी भी क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर क्रॉप या फसल का उद्भव स्थल, जहाँ पर उसकी ओरिजिन हुई है, जिस भी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन या जियोग्राफिकल रीजन में उसकी ओरिजिन हुई है उसे हम बोलते हैं, वह उस फसल की सेंटर ऑफ ओरिजिन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे टोमेटो की अगर हम बात करें, टमाटर की बात करें, तो टमाटर आज पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में उसका कल्टीवेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टमाटर का जहाँ जहाँ कल्टीवेशन होता है वहीं पर उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन भी है। सेंटर ऑफ ओरिजिन वो एक पर्टिकुलर अलग एरिया होगा जहाँ पर उस क्रॉप की ओरिजिन हुई है, बाकी वहाँ से वो क्रॉप जो है दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या जैसे भी किसी और जगह वो माइग्रेट हुई है जहाँ पर उसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो वेविलोव ने सजेस्ट किया था कि जो है किसी भी क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन उस जगह को माना जाता है जहाँ पर उस क्रॉप से रिलेटेड उसकी वाइल्ड स्पीशीज़ या उसकी उससे जीनस से या उसकी फैमिली से रिलेटेड उसकी एलाइड स्पीशीज़ उस जगह पर देखने को मिलती है। यानी उस पर्टिकुलर क्रॉप्स की स्पीशीज़ या जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल पर बहुत सारे एलाइड स्पीशीज़ आपको देखने को मिलें जहाँ ग्रेटर डाइवर्सिटी हो। तो ये माना जाता है कि ज़रूर या संभवतः यही प्लेस उसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन होगी। तो इस तरह से वेविलोव ने लगभग 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन्स जो है शुरू में उन्होंने बताए थे, जिसको फर्दर और भी सब सेंटर्स में डिवाइड किया गया है। पूरे वर्ल्ड में अबाउट 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन्स हैं जिसमें मेजर जो आज की कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं उनका ओरिजिन हुआ है। द ग्लोबल जेनेटिक वेल्थ कंप्राइजिंग अबाउट 3,000 कल्टिवेटेड टैक्सा विच मेनली इंक्लूड बोथ प्रिमिटिव native cultivars and their wild and weedy species is distributed to these 12 primary center of diversity.
द ग्लोबल जेनेटिक वेल्थ कंप्राइजिंग अबाउट 3,000 कल्टिवेटेड टेक्सा, मीन्स जो भी जेनेटिक वेल्थ है, प्लांट जेनेटिक वेल्थ है पूरे वर्ल्ड में, अबाउट उसमें 3,000 जो है कल्टिवेटेड टेक्सॉन है, यानी कल्टिवेटेड ग्रुप्स हैं, जिसमें कि बहुत सारे प्रिमेटिव नेटिव कल्टीवर्स या वाइल्ड या उससे रिलेटेड वीडी स्पीशीज़ हमें उन प्राइमरी सेंटर्स में देखने को मिलती है अलग अलग क्रॉप्स में. द मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन. जो मेन सेंटर है जहाँ पर कोई क्रॉप मूलतः उसका उद्भव हुआ है उसको हम प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहेंगे, मीन्स जहाँ पर उसकी ग्रेटर डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है. कुछ फसलों में आपको कई उसकी सपोज़ किसी एक ज्योग्राफिक रीजन में आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन उसके अलावा कभी कभी दूसरे ज्योग्राफिक रीजन में भी आपको उस क्रॉप से रिलेटेड या उसकी दूसरी वाइल्ड स्पीशीज़ या उसकी वीडी स्पीशीज़ उसी से जीनस से बिलोंग करने वाली या उसी स्पीशीज़ से बिलोंग करने वाली दूसरी वेराइटीज़ और रेसेस की डाइवर्सिटी जहाँ आपको देखने को मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी. एक्चुअली वो कुछ ऐसे सेंटर्स भी हैं जहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्रॉप वहाँ पर ओरिजिन तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी दूसरी जगह माइग्रेट होने के बाद उसने उस क्रॉप ने वहाँ की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में वो इतनी अच्छे से एक्लिमेटाइज हो गई है, इतने अच्छे से उसने अपने को अडाप्ट कर लिया है कि वहाँ पर उससे रिलेटेड और भी स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, जिस वजह से वो बिल्कुल प्रतीत होती है कि जैसा कि एज प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन जैसी ही दिखती है, पर वो मूलतः प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्सिटी है लेकिन उस क्रॉप की ओरिजिन वहाँ पर नहीं हुई है, वो माइग्रेट होने के बाद वहाँ पर उसने अपने को एक्लिमेटाइज़ किया गया है और फिर वहाँ पर उसका डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, तो ऐसे को इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी. तो किसी भी क्रॉप की प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेकेंडरी सेंटर ऑफ जो डाइवर्सिटी है दोनों में फ़र्क होता है. ऑल्दो डाइवर्सिटी दोनों जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में क्रॉप्स ओरिजिनेट होती है, मूलतः वहीं पर उसका ओरिजिन होता है, पर सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में ओरिजिन नहीं होता है, लेकिन क्रॉप मेन्स ओरिजिन सेंटर से माइग्रेट होने के बाद वहाँ पर अपने को किसी दूसरे ज्योग्राफिक रीजन में अपने को बेहतर तरीके से अडेप्ट करती है और फिर वहाँ पर उसकी सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी देखने को हमें मिलती है. इसको हम एक तरह से एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सपोज़ आप लोगों को पता होगा कि जैसे मॉरिशस में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने कंट्री में बिहार डिस्ट्रिक्ट के लोग ज़्यादातर बिहार डिस्ट्रिक्ट के ओरिजिन के लोग ज़्यादातर वहाँ बसे हुए हैं मॉरिशस में. तो आपने कभी गौर किया ये किया होगा कि क्या मॉरिशस में बिहार के जो जो लोग वहाँ पर जो माइग्रेट होके गए और आज वहाँ पर वो बस गए और आज उनकी संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन लोगों का ओरिजिन या उद्भव स्थल वो मॉरिशस है. उन लोगों का मेन जो ओरिजिन सेंटर है वो है इंडिया का बिहार डिस्ट्रिक्ट, जो एक जो कि मेनली नेटिव वो बिहार के हैं, लेकिन एक समय के दौरान वो वहाँ पे माइग्रेट कर गए और वहाँ पर उन्होंने अपने को बसा लिया, वहाँ पर वो एक्लिमेटाइज हो गए, तो आज वहाँ भी उनकी पॉपुलेशन में उतनी ही डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जितनी कि आपको बिहार में देखने को मिलती है. लेकिन हम ये कहेंगे कि वो लोगों का नेटिव प्लेस या प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन बिहार है, ना कि मॉरिशस है. मॉरिशस को हम एक तरह से सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहेंगे. उसी तरह फसलों में भी होता है कि कोई फसल की ओरिजिन जहाँ पर होती है वहाँ पर तो उसकी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जब वो फसल माइग्रेट होकर के किसी दूसरे ज्योग्राफिक रीजन में जाती है और अगर वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन में उसने खुद को अपने अच्छे से अडेप्ट कर लिया, तो वहाँ पर उसकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, उसमें और वेरिएशन बढ़ता जाता है, उसके और रिलेटिव्स बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से उसे सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है. ये जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, प्राइमरी सेंटर हो या सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, इसकी नॉलेज होना या इसकी जानकारी होना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है
कि नॉलेज रिगार्डिंग जीन सेंटर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड दियर पॉसिबल वाइल्ड एंसेस्टर्स या और प्रोजेनिटर्स सर्व्स एज गाइडलाइन टू कलेक्ट मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस टू पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक डिजीजेज इंसेक्ट पेस्ट एंड निमेटोड्स। कहने का मतलब ये है कि हम क्यों सेंटर ऑफ ओरिजिन या प्राइमरी या सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में जानकारी रखें। इसका मुख्य कारण है कि जो भी क्रॉप हमारे कल्टीवेशन में है, चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, सीरियल्स हो, किसी भी तरह की क्रॉप्स की अगर हम बात करें जिसका हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इन क्रॉप्स में तमाम सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि हम जब हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें अपनी क्रॉप में इम्प्रूवमेंट चाहिए, जेनेटिक लेवल पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, जीन लेवल पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, ताकि वो फसल हमें हर तरह से अच्छी परफॉर्मेंस दे, चाहे वो यील्ड के टर्म्स में हो, चाहे वो क्वालिटी के टर्म्स में हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में हो। तो ज़्यादातर जो हमारी कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं वो क्वालिटी वाइज, यील्ड वाइज अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं या उनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम एट्रीब्यूट्स हैं या जीन ऐसे हैं जो उनमें कमी है, जिस वजह से उनमें बहुत तरह की रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, इंसेक्ट पेस्ट से अपने को जो है डिफेंस करने की उनके अंदर क्षमता नहीं होती, किसी भी तरह के एबायोटिक बायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने की क्षमता नहीं होती है। ऑल दो वेराइटीज़ अच्छी होती हैं, तो ऐसी वेराइटीज़ जिनका उत्पादन ज़्यादा होता है और उनकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन उनका बायोटिक एबायोटिक या रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें कम होती है, तो उनमें उस रोग प्रतिरोधक क्षमता या किसी भी दूसरी तरह की जो है क्वालिटी को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हमें उनके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना होगा। मीन्स उनकी ब्रीडिंग के थ्रू उनका जेनेटिक मेकअप को इम्प्रूव करना होगा। पर जेनेटिक मेकअप इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास जीन के सोर्स होने चाहिए, हमारे पास उस क्वालिटी के जीन अवेलेबल होने चाहिए, और वो जीन हमें मिलते हैं उसी क्रॉप के वाइल्ड रिलेटिव्स या वाइल्ड एंसेस्टर्स में, और वो वाइल्ड एंसेस्टर्स हमें मिलते हैं उस क्रॉप की सेंटर ऑफ ओरिजिन पे, चाहे वो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन हो, चाहे सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी हो। क्योंकि ये जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं जो कि जिसे हम जंगली वेराइटीज़ बोलते हैं, जो कि कल्टीवेट हम नहीं करते हैं, लेकिन उन वेराइटीज़ में तमाम ऐसे जीन हैं जिन जीन्स को हम हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, उन जीन को अगर हम अपनी कल्टीवेटेड वेराइटीज़ में हम ट्रांसफ़र कर लें थ्रू ब्रीडिंग टेक्निक्स के थ्रू, तो हमारी जो कल्टीवेटेड वेराइटीज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जिसे कि हम ब्रीडिंग कहते हैं। ज़रूर ये हमने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि सिर्फ डिजीज़ इंसेक्ट पेस्ट को लेकर के हम किसी भी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उस पर्टिकुलर जीन सोर्स को हम अगर आइडेंटिफाई करें उसके वाइल्ड रिलेटिव्स में और फिर उस जीन को ब्रीडिंग के थ्रू हम अपनी कल्टीवेटेड वैरायटी में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो यही एक्चुअली ब्रीडिंग कहलाता है। तो इसलिए हर क्रॉप की सेंटर ऑफ ओरिजिन और डाइवर्सिटी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर हमको उस क्रॉप से रिलेटेड दूसरी उसके वाइल्ड स्पीशीज़ मिलेंगी, जिनसे हम उस जो यूज़फुल जीन है उसको हम उस यूज़फुल जीन को हम प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जीन सेंटर ऑफ पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में प्रोवाइड एडिशनल जीन पूल फॉर रेजिस्टेंस ब्रीडिंग। तो ये रेजिस्टेंस ब्रीडिंग करने के लिए हमें जीन पूल की आवश्यकता है हर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की, जहाँ और वो मिलेगा हमें उसके सेंटर ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी जीन सेंटर पर। वेविलोव के अकॉर्डिंग 8 प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन्स हैं, जिसमें कि कुछ सब सेंटर्स भी हैं, और टोटल 12 प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन्स हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा हर क्रॉप्स में जो है ग्लोबल लेवल पर कुछ सेंटर ऑफ ओरिजिन है, हर फसल में आप पढ़ते हैं कुछ मेडिटेरेनियन सेंटर, चाइना सेंटर, साउथ एशियन सेंटर, उसी तो ये उसी सेंटर ऑफ ओरिजिन की ये टेबुलर फॉर्म में ये लिस्ट दी हुई है। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन्स हैं, और इन जितने भी ये सेंटर ऑफ ओरिजिन्स हैं यहाँ पर जो भी क्रॉप ओरिजिनेट हुई है ये उनके नाम दिए हुए हैं।
तो सबसे पहला जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है जो वेवेलोव ने बताया वो है चाइना सेंटर। चाइना सेंटर जो चाइनीज़ सेंटर ऑफ ओरिजिन है वहाँ पर जिन क्रॉप्स की ओरिजिन हुई है वो है ब्रिंजल, चाइनीज़ कैबेज, लीची, परसिमन, स्वीट ऑरेंज, टी, पीचेस। ये सब चाइनीज़ सेंटर ऑफ ओरिजिन की क्रॉप हैं। इसी तरह इंडो बर्मा सेंटर, मीन्स इंडो और बर्मा वाला जो रीजन है, म्यांमार वाला रीजन है, वहाँ पर मैंगो की सेंटर ऑफ ओरिजिन देखी गई है। साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है वहाँ पर बनाना, कोकोनट, जैक फ्रूट, पपाया, वुड एप्पल, आंवला, करौंदा, बेर, बेल, जामुन, इन क्रॉप्स की सेंटर ऑफ ओरिजिन देखी गई है। सेंट्रल एशियन सेंटर में अनियन, गार्लिक, मस्टर्ड, स्पिनच, कैरेट, पिस्टैचियोनट, आलमंड, ग्रेप, पियर, इनकी सेंटर ऑफ ओरिजिन सेंट्रल एशियन सेंटर में देखी गई है, जिसको कि हम बोलते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला जो आपका रीजन है वो। फिर नेक्स्ट है एशिया माइनर सेंटर, जिसको नियर ईस्ट सेंटर भी बोलते हैं, जो आपका ईरान, इराक वाला जो रीजन है एशिया माइनर सेंटर उसको बोलते हैं। एप्पल, फिग, चेस्टनट, पिस्टैचियोनट, आलमंड, वॉलनट, यूरोपियन ग्रेप और आपका ये पोमग्रेनेट, ये सब जो है एशिया माइनर या नियर ईस्ट सेंटर में ओरिजिन इनका पाया गया है। मेडिटेरेनियन सेंटर में जो ओरिजिन हुई है क्रॉप वो है वाइट कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बीन और रेडिश। सिमिलरली एबेसियन सेंटर, एबेसियन सेंटर को साउथ अफ्रीकन सेंटर भी कहा जाता है, जहाँ पर ब्रिंजल, एग प्लांट जिसको ब्रिंजल, वहाँ पर भी कुछ स्पीशीज ब्रिंजल की ओरिजिनेट हुई हैं, वाटर मिलन, मेलन्स, बॉटल गार्ड, लोकस्ट बीन, काउपी, ओकरा, कॉफ़ी, ये सब साउथ अफ्रीकन सेंटर ओरिजिन की क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल अमेरिकन सेंटर, पपाया, रबर, एवोकेडो, ये सेंट्रल अमेरिका मीन्स आपका मैक्सिको वाले रीजन में ओरिजिनेट हुई हैं। सिमिलरली साउथ अमेरिकन सेंटर में दो सेंटर हैं, पेरू सेंटर और चायल सेंटर। तो उसमें आप जानते हैं कि हमारी जो कॉमन वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, पोटैटो, चिली, टोमेटो, ग्वावा, ये सब पेरू सेंटर और चायल सेंटर की ओरिजिन है, पेरू चायल वाले रीजन की। ब्राज़ील पैरागुए सेंटर, पाइनएप्पल वहाँ का ओरिजिन है। सिमिलरली यूएस सेंटर, सनफ्लावर जहाँ की ओरिजिन है। तो ये इतने तरह के वेविलोव ने सेंटर ऑफ ओरिजिन बताए, जिसको हम लोग मैप में भी देख सकते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो अगर देखिए तो ये नॉर्थ अमेरिकन या जिसको यूएस सेंटर अब हम कहते हैं, ये सेंट्रल अमेरिकन सेंटर है जहाँ मैक्सिको वाला रीजन है, जहाँ पर पपाया वगैरह की ओरिजिन हुई है, गुआवा वगैरह की। ये साउथ अमेरिकन पेरू चाइल वाला रीजन है, जहाँ पर पोटैटो, चिली, टोमेटो की ओरिजिन हुई है। ये यूरोपियन सेंटर है। सेंट्रल एशिया जहाँ पर अनियन वगैरह की ओरिजिन हुई है, ये मेडिटेरेनियन सेंटर है। नॉर्थ अफ्रीकन सेंटर, सब सहारन अफ्रीका या साउथ अफ्रीकन एबेसियन सेंटर भी इसको कहते हैं। साउथ वेस्ट एशिया, साउथ एशियन सेंटर, साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पर इंडो मलेशिया जावा वाला जो रीजन है, ईस्ट एशियन सेंटर, और ये ऑस्ट्रेलिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो ये इतने तरह के पूरे ग्लोबल लेवल पर आप देखेंगे तो इन इन जगहों पर आपकी तमाम तरह की जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनका ओरिजिन हुआ है, जिसमें कि हमने एग्जांपल में सिर्फ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का दिया है। यहाँ पर सिर्फ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ही नहीं, बहुत सारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की भी ओरिजिन यहाँ पर हुई है। तो ये 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन्स है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और कौन सी फसल किस सेंटर ऑफ ओरिजिन की है उससे हमें ये पता चलता है कि उस फसल की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन भी बिल्कुल वैसी ही चाहिए जहाँ पर वो वैसी ओरिजिनेट हुई है। क्योंकि कोई भी क्रॉप जहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो वहाँ पर इसीलिए है क्योंकि वहाँ की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में वो सक्सेसफुली ग्रो हो रही है। तो इसकी जानकारी होने से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए किस तरह की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल होती है, उसकी क्वालिटी वाइज और सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट बायोडायवर्सिटी।
प्लांट बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार सेंटर ऑफ ओरिजिन या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ या प्लांट बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये थॉमस लवजॉय ने 1980 में ये टर्म कॉइन किया था, और ये जो वर्ल्ड है बायो, उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा था, लेकिन बाद में इसको शॉर्ट करके बायोडाइवर्सिटी कहा गया, जिसको एक एंटमोलॉजिस्ट ईओ विल्सन ने 1966 में इसे शॉर्ट करके बायोडाइवर्सिटी कहा। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरिएशन एमंग स्पीशीज, विद इन स्पीशीज, एंड कंपेरेटिव डाइवर्सिटी एमंग द टाइप ऑफ डिफरेंट इको सिस्टम। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी भी स्पीशीज़ में जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है विद इन स्पीशीज़ या बिटवीन स्पीशीज़, जैसे सेम स्पीशीज़ है तो उसमें जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके आपस के बीच में भी, और दो स्पीशीज़ के बीच में भी, दो जीनस के बीच में भी, जितने भी तरह की हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। अब ये कई लेवल पर होती है डाइवर्सिटी। अगर माइन्यूट लेवल पर देखें तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरह से दो इंडिविजुअल्स के बीच में अगर एक सिंगल जीन का भी अंतर आता है तो हम उसे कहते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। जेनेटिक लेवल पर तो जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे मिनिमम या सबसे माइन्यूट लेवल की डाइवर्सिटी होती है, यानी डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन ए स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ में ही जो जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी होती है उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, या दो इंडिविजुअल के बीच में वट एवर द जेनेटिक वेरिएशन हम देखने को मिलता है उसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। सपोज दैट कि एक प्लांट है, एक ही प्लांट है जिसके अगर उसकी दो प्रोजेनीज हम देखते हैं, सेम पेरेंट्स हैं, सेम पेरेंट्स की दो प्रोजेनीज हैं, तो दोनों प्रोजेनीज में भी जो माइन्यूट डिफरेंस भी होगा उसे भी हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, है ना। तो जब एक बहुत ही माइन्यूट लेवल पर, जीन लेवल पर हम डाइवर्सिटी देखते हैं, फ्यू जीन्स को लेकर के डाइवर्सिटी, तो वो भी डाइवर्सिटी कहलाती है। और अगर दो स्पीशीज़ या दो जीनस या दो अनरिलेटेड क्रॉप्स के बीच में हम डाइवर्सिटी देखते हैं तो वो भी डाइवर्सिटी है, पर वो मैक्रो लेवल की डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, यानी स्पीशीज़ के बीच में डाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द इकोसिस्टम। तो डाइवर्सिटी आपको लोअर लेवल से, यानी जेनेटिक लेवल से इकोसिस्टम लेवल तक, हर लेवल पर आपको देखने को मिलती है। फ़ायदा क्या है बायोडाइवर्सिटी का? तो बायोडाइवर्सिटी के कई रोल हैं। सबसे पहला तो इकोलॉजिकल रोल है बायोडाइवर्सिटी का। इकोलॉजिकल रोल का मतलब होता है कि ऑल स्पीशीज़ प्रोवाइड सम काइंड ऑफ फंक्शन टू एन इकोसिस्टम। जब हम एक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में जितने भी तरह के आपको फ्लोरा और फौना देखने को मिलते हैं, फ्लोरा और फौना मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, आप देखते हैं अलग अलग तरह के, कुछ ट्रीज़ होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ ग्रासेस होती हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज़, फंजाइज़ वगैरह होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरह की जीनस और फैमिली से बिलोंग करने वाले। उसी तरह से आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं अलग अलग कैटेगरी के, इनको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब एक ही के उस इकोसिस्टम में जितने भी ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, इनका अपना एक रोल होता है जिनकी वजह से पूरा इकोसिस्टम रन करता है। कुछ ऐसे जैसे सपोज दैट प्लांट्स का रोल है कि एनर्जी कैप्चर करना, एनर्जी स्टोर करना, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करना, और कुछ ऐसे माइक्रोब्स वगैरह हैं जिनका काम है कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना, है ना, उसको रिसाइकल करना, न्यूट्रिएंट की रिसाइकल करना। एनिमल्स वगैरह कंज्यूमर की तरह रोल प्ले करते हैं, है ना। तो इस तरह से सभी जो है एक इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो, बायोटिक कंपोनेंट्स मींस प्लांट्स या एनिमल्स हो, या एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जैसे कि सॉइल वगैरह हो या जो भी हो, इन सब का अपना एक रोल है। तो अगर इसमें से कोई भी एक जो है इकोसिस्टम में कोई भी एक कंपोनेंट, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का स्पीशीज हो या चाहे वो एक माइक्रोब ही क्यों ना हो, अगर
उसका जो है उसकी एब्सेंस होती है, अगर वो नहीं पाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो इकोलॉजिकल साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है, वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाती। तो किसी भी स्पीशीज़ का लॉस इकोसिस्टम टॉलरेट नहीं कर सकता। द लॉस ऑफ स्पीशीज़ दस डिक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन इट्सेल्फ। किसी भी स्पीशीज़ का लॉस, चाहे वो वीड स्पीशीज ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे लिए यूज़फुल हो या ना हो, लेकिन फिर भी इकोसिस्टम के लिए वो यूज़फुल है। इसीलिए किसी भी स्पीशीज़ का लॉस जो है लॉस होने की वजह से इकोसिस्टम अपने को मेंटेन नहीं कर पाता है, वो डैमेज होता है। इसीलिए बात की जाती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, है ना, जिस कि नेचर में हर तरह के फ्लोरा फौना या स्पीशीज़ का मौजूद रहना या बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम को प्रॉपर रन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहला बेनिफिट है बायोडाइवर्सिटी का, इकोलॉजिकल रोल, क्योंकि जितने भी कॉम्पोनेंट है बायोडाइवर्सिटी में उनका अपना एक रोल है, और उस इकोलॉजिकल रोल को परफॉर्म करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रोल है इकोनॉमिक रोल है बायोडाइवर्सिटी का। इकोनॉमिक रोल मतलब मींस अगर ह्यूमन बींग्स के संदर्भ में देखें, मींस हम लोगों के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो फॉर ऑल ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी इज़ फर्स्ट ए रिसोर्स फॉर डेली लाइफ। यानी बायोडाइवर्सिटी से हमें अपनी डेली लाइफ के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है वो हमें अपने इकोसिस्टम या अपने सराउंडिंग से हमें मिलता है, हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे वो फूड हो, भोजन हो, वो भी हमें बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त होता है। लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट है, फिशेज है ना, अलग अलग तरह की हाइल्डिंग क्रॉप वेराइटीज़ है, रेजिस्टेंस वेराइटीज़ है, जिनकी हमें ज़रूरत है अगर, तो ये सब हमें इकोसिस्टम से ही मिलना है, बायोडाइवर्सिटी से ही मिलना है। फार्मास्यूटिकल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल जैसे ऑयल है, लुब्रिकेंट है, परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, डाइज, पेपर, वैक्स, रबर, लैटेक्स, रेजिन्स, पॉइजन्स, कॉर्क वूल, सिल्क, फर, लेदर, लुब्रिकेंट, वैक्स, ये सब हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी का नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है टूरिज़्म, है ना। यानी ये एक तरह से बायोडाइवर्सिटी इज़ अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ फॉर मैनी एरियाज सच एज मैनी पार्क्स एंड फॉरेस्ट वेयर वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सोर्स ऑफ ब्यूटीज। ये बायोडाइवर्सिटी अपने आप में नेचुरल ब्यूटी भी है, जिस ब्यूटी को इंजॉय करने के लिए हम लोग, आप देखते हैं कि जगह जगह पर नेचुरल प्लेसेस की विजिट करते हैं, टूर करते हैं, तो टूरिज़्म को भी ये बढ़ावा देता है जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी जो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी वाले एरियाज़ हैं उनको कंजर्व किया जाता है, जैसे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज़ हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, है ना, और लोग वहाँ पर उन रिजर्व्स में या उन नेशनल पार्क्स में विज़िट के लिए जाते हैं या टूर के लिए जाते हैं, है ना, तो वो टूरिज़्म को भी ये बढ़ावा देता है। उसके बाद नेक्स्ट एथिकल रोल भी है बायोडाइवर्सिटी का। एथिकल रोल हम इस सेंस में कहेंगे, नैतिक रोल की यहाँ बात हो रही है, कि जो बायोडाइवर्सिटी में जितने भी कॉम्पोनेंट हैं, मीन्स जितने भी स्पीशीज़ हैं या फ्लोरा है या फौना है, इन सभी का अपना एक रोल है और सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं अपनी दूसरे हर एक ज़रूरत के लिए, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे माइक्रोब्स हो, तो इन सभी का अपना एक रोल है और सभी के रिलेशनशिप को समझना बहुत ही आवश्यक है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, हर एक स्पीशीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, इसलिए हम उनको नुकसान पहुंचाते, हाँ पहुंचाते हैं, लेकिन जब हमें इस बात की अच्छे से समझ होगी कि हर एक स्पीशीज़ का बायोडाइवर्सिटी में क्या रोल है, उसका मौजूद होना कितना इम्पॉर्टेंट है ताकि एक इकोसिस्टम अच्छे से रन कर सके, तो हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हम उस स्पीशीज़ की संरक्षण के लिए प्रयासरत रहेंगे। हमें अपनी राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड ओनली वी हैव द राइट टू सर्वाइव,
सिर्फ हमें जीने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। अगर कोई प्लांट या कोई एनिमल, भले वो हमारे यूज़ का है या नहीं, या कोई भी माइक्रोब्स है वो हमारे यूज़ हमारे लिए यूज़फुल हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसकी भी मौजूदगी इकोसिस्टम में बहुत ज़रूरी है ताकि इकोसिस्टम अच्छे से रन करे। तो ये हमारा यहाँ एथिकल रोल हो जाता है कि हम हर तरह के प्राणियों की, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, हमें उनको कंजर्व करना है, हमें उन्हें बचाना है। इसे कहते हैं एथिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। साइंटिफिक रोल का मतलब कि साइंटिफिक मींस कि बायोडायवर्सिटी के थ्रू साइंटिस्ट जो है, नेचुरल जो साइंटिस्ट हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अर्थ इवॉल्व हुई है और अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज़ कैसे इवॉल्व हुए हैं, उनका क्या रोल है, कौन सा स्पीशीज़ किस तरह से यूज़फुल है, हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, ये सारी स्टडी करने के लिए बायोडायवर्सिटी का कंजर्व रहना बहुत ज़रूरी है। प्लांट बायोडायवर्सिटी की अगर हम प्लांट ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेरिट्स और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो इसके बहुत एडवांटेज हैं। जो जीन सेंचुरीज हैं या नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये सिर्फ डायवर्सिटी को ही नहीं कंजर्व करते हैं, यहाँ की जो प्लांट पॉपुलेशन या एनिमल पॉपुलेशन को ही नहीं कंजर्व करते, बल्कि यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली इवोल्यूशन की प्रोसेस भी होती है, यानी नई नई तरह की स्पीशीज़ और एनिमल्स इवॉल्व भी होते हैं ऐसी प्लेसेस पर, क्योंकि जब ये एरिया कंजर्व रहेगा, किसी भी तरह की ह्यूमन अप्रोच से डिस्टर्ब नहीं होगा, तो अंडर नेचुरल इन्फ्लुएंस यहाँ पर नए नए तरह की स्पीशीज़ और जो है वो इवॉल्व होंगी, और जिससे हमारी बायोडायवर्सिटी वेल्थ सिर्फ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा हमारे पास बायोडायवर्सिटी वेल्थ बढ़ेगी, उतना ही हमारा जीन पूल बढ़ेगा, हमारे पास जेनेटिक रिसोर्स होगा, और उस जेनेटिक रिसोर्स का हम इस्तेमाल करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग हो या एनिमल ब्रीडिंग हो, किसी भी तरह से हमारे लिए जो यूज़फुल क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए ये बायोडायवर्सिटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन भी करते हैं, इनसीटू भी कंजर्व, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन रिफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक डायवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम जेनेटिक इरोजन। तो ये जो बायोडायवर्सिटी है, जिसको कि ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से ये धीरे धीरे इसका लॉस हो रहा है, आप देखते हैं कभी कभी जंगलों में आग लग जाना, या जंगलों को काट करके वहाँ पर इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, ये सब बायोडायवर्सिटी के लिए हार्मफुल है। ये ऐसा हमें नहीं करने देना है। हमें जो मोस्ट डाइवर्स एरियाज़ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट या एनिमल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, उन जगहों का कंजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वहाँ पर जितनी भी फ्लोरा है या फौना है, अगर उसको हम रिमूव कर देंगे, तो बहुत सारा यूज़फुल जीन सोर्स हमारे, हम जो है वो हम उसे खो देंगे, जिससे कि हमारी कल्टीवेटेड क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो इसलिए इसका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सीटू एक्सीटू कंजर्वेशन करते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन हम नेचुरल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जीन सेंचुरी के फॉर्म में करते हैं, या हम तमाम सारे हमने ऐसे इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए हैं, जैसे NBBGR वगैरह है, ये इनका रोल है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जिसका काम है कि अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं जो इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट विलुप्त हो रही प्रजातियाँ हैं पौधों की, उनको जो है कंजर्व करना, जीन सेंचुरी, ठीक है। उसी तरह मेघालय में, जहाँ पर मेघालय वाला जो रीजन है, जहाँ पर सिट्रस की ओरिजिन है, उस पूरे रीजन को जीन सेंचुरी में बदल दिया गया है, और ताकि वहाँ सिट्रस और उससे रिलेटेड जितनी भी सिट्रस की वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उसको कंजर्व किया जा सके। और उसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बनाना के लिए पूरा का पूरा कंजर्व किया गया है, क्योंकि बनाना की सेंटर ऑफ ओरिजिन बहुत सी वेराइटीज़ और स्पीशीज़ देखने को, वाइल्ड और नॉन वाइल्ड स्पीशीज़ देखने को मिली है। तो इस तरह अलग अलग क्रॉप वाइज जहाँ सेंटर ऑफ ओरिजिन है, उस जगह को कंजर्व किया गया है जीन सेंचुरीज़ के फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन
भी किया जाता है बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, लेकिन वहाँ पर प्रिजर्वेशन का तरीका दूसरा होता है। इसमें हम पौधों को जीन बैंक के थ्रू जीन बैंक बनाते हैं, जैसे सीड बैंक बना बीज के माध्यम से हम कंजर्व करते हैं, बीज को कंजर्व करते हैं, प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, फील्ड जीन बैंक बनाते हैं, मीन्स पौधों को ला करके फील्ड में कंजर्व करते हैं प्लांटेशन करके, और लैब में शूट टिप जीन बैंक करते हैं, सेल या ऑर्गेन के फॉर्म में कंजर्व करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू, यानी लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं, डायरेक्ट डीएनए को हम कंजर्व करते हैं डीएनए जीन बैंक। तो ये सब बहुत ही हाईटेक लेवल का कंजर्वेशन मेथड है, लेकिन अलग अलग लेवल पर हम जो है कंजर्वेशन करते हैं ताकि हमारे पास जो डाइवर्स जीन पूल है वो अवेलेबल रहे, ताकि हम जो भी फसल है जिसका कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें हमारे पास इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी बनी रहे। तो आप समझ गए होंगे इस बात से कि सेंटर ऑफ ओरिजिन या बायो उस ओरिजिन पर जो बायोडायवर्सिटी मौजूद है किसी क्रॉप से रिलेटेड वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बायोडायवर्सिटी का रोल क्या है, और आगे वो कैसे ब्रीडिंग में हमारी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम और आगे बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चन करके पूछिए, और फिर नहीं आया है तो हम इसको जो टॉपिक अगर इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आई है तो हम उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रीडिंग के लिए और किन दूसरी बातों की जानकारी होना ज़रूरी है ताकि हम किसी क्रॉप में ब्रीडिंग कर सकें, इसको हम कैसे समझेंगे, यानी प्रिंसिपल्स क्या हैं ब्रीडिंग्स के, तब हम मेथड्स को समझ पाएंगे आसानी से। थैंक यू सो मच।